जी इसमें है हरकत का बयान सब सबसे पहले हमने सीखना है जबर को जबर की अलामत ये है मीन्स ये आप जानते हैं कि जो वर्ड के ऊपर होती है ठीक है जबर की अलामत ये है ये हमेशा हरफ के ऊपर होती है इसको पढ़ते वक्त हरफ को ना लंबा करना है ये चीज आपने नोट करनी है जबर को पढ़ते वक्त हरफ को ना ही लंबा करना है ना ही झटका देना है और ना ही मजहूल अदा करना है झटका मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये है जबर बा तो हम इसको पढ़ दें बा जबर ब ऐसे नहीं पढ़ना और मजहूल मजहूल मीन्स बा जबर बा है हम इसको पढ़ दें बा जबर बे बे पता है ना कोई कुछ लोग ऐसे रीड करते हैं जैसे हो गया अल्लाह रे उसको पढ़ेंगे स्पेशली जो ओल्ड लोग हैं वो ज़्यादा ऐसे रीड करता है तो इस तरीके से कुरान जो लोग पढ़ते हैं उन वर्डिंग को बोलते हैं कि ये वर्ड्स जो हैं आप मजहूल रीड कर रहे हैं ठीक है ये गलत होता है ऐसे रीड करना तो जबर को पढ़ते वक्त ना ही हमने हर्फ को लंबा करना है ना ही हमने हरफ को झटका देना है ना ही मजहूल पढ़ना है लेकिन अगर बा जबर बा है तो बा की जब जबर को हमने अदा करना है तो हमारे होठ ऊपर को खुलेंगे बे की आवाज नहीं आएगी बा ओके नेक्स्ट बल्कि लफ्ज को बड़ी नरमी के साथ अदा करना है हदायत नंबर वन पुर पड़े जाने वाले हरूफ की अदायगी में होठ गोल ना होने पाए पुरस मोटे हम सीख चुके हैं ना पुर हरूफ कौन से हैं हरूफ मुस्तालिया जो है वो पुर हरूफ होते हैं पुर अरबी में बोलते हैं मोटे को ठीक है पुर पढ़े जाने वाले हरूफ की अदायगी में होंठ गोल ना होने पाए लाइक हमने जो हरूफ मुस्तालिया सीखे थे जब हमने उनको अदा करना है खइन एंड गौफ. तो ये यहाँ पे हमें बोलना चाह रहे हैं कि जब आपने इन वर्ड्स को रीड करना है ना तो उसमें आपके होंट गोल नहीं होने चाहिए लाइक like, ओ, ओ ओ ऐसे नहीं होंट गोल नहीं होंगे होंटों को बिल्कुल जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे रखना है ठीक है बिल्कुल भी गोल नहीं करना नेक्स्ट हिदायत नंबर टू जिस लफ्स पर जबर जेर पेश या जज्म सॉरी जिस अलिफ पर जिस अलिफ पर जबर जेर पेश या जुजम हो वो अलिफ नहीं बल्कि हमजा होता है ये हम पहले भी सीख चुके हैं राइट वो अलिफ नहीं बल्कि हमजा होता है अगेन देखें जिस अलिफ पर जबर जेर पेश या जज्म हो वो अलिफ नहीं बल्कि हमजा होता है ये देखिए इस पे आ गया जबर अब हमने इसको रीड करना है हमजा जबर आ अलिफ रीड नहीं करना हमने इसको अब ठीक है नेक्स्ट लिहाजा इसको हमजा ही पढ़ाए अलिफ सिर्फ वो है जो हरकत या जजम के बगैर हो और इससे पहले जबर हो ठीक है आपके मैसेज आया जी जी मध हो अगर उसके ऊपर वो जो लंबी सी मध होती है वो हो तो फिर वो अलिफ से इंक्लूड होगा नेक्स्ट हदायत नंबर थ्री जबर को इतना मत खींचे कि अलिफ बन जाए मीन्स ये देखिए अब ये है मेन पॉइंट जबर को खींचना नहीं है हम ऊपर यहाँ पे देख चुके हैं कि इसको पढ़ते वक्त हरफ को लंबा नहीं करना जबर को पढ़ते वक्त हरफ को लंबा नहीं करना तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जबर को इतना मत खींचे मीन्स उसको लंबा नहीं करना कि वो अलिफ बन जाए मीन्स जैसे यह है बा जबरबा अगर हमने इसको खींच दिया बा जबर बा तो सपोज आपने उसके साथ अलिफ का इजाफा कर दिया अगर बा जबर बा है तो बा ही होगा अगर बा रीड कर दिया तो इट मीन्स आपने उसके साथ अलिफ लगा दिया बिकॉज आप जानते हैं कि जिस वर्ड के साथ अलिफ आ जाता है उसको हम खींचते हैं ठीक है ज़बर को इतना मत खींचें कि अलिफ बन जाए जैसे बा जबर बा से बा जबर अलिफ बा ना बने और ना ही इतनी जल्दी करें कि झटका पैदा हो जैसे बा जबर बा है तो उसको हम पढ़ दें बा जबर ब अगर बा जबर ब हमने रीड कर दिया तो इट मीन्स के हमने हमजार पे साकिन आ गया तो फिर क्या होगा झटका होगा बा, जबर अलिफ ब ठीक है इसको देखिए अगेन बा जबर ब इसको बा, जबर बा ही रीड करना है अगर इसको बा, जबर बा रीड किया तो वो इसके साथ अलिफ बन जाएगा और अगर उस पर हमने झटका कर दिया मीन्स बा जबर ब तो उसके साथ फिर हमजा साकिन हो जाएगा लाइक बा जबर हमजा ब बा जबर हमजा ब ठीक है पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो जाएगा इसका इसलिए आपने ख्याल रखना है देखिए आगे वो ये बता रहे हैं इस पर खूशी लाएं जी अब हम इसको रीड करते हैं हमजा जबर आ बा जबर बा ता जबर ता था जबर सा इतना इतना खींचेंगे कुरान में भी जब ये वर्ड्स इकट्ठे आ जाएंगे मतलब यहाँ पे तो है ना सेपरेटली है तो बहुत ज्यादा इजी है हमारे लिए पढ़ाना जब कुरान में किसी वर्ड के सेंटर में ये वर्ड आएगा तो उसको हम नहीं खींचेंगे ख जबर, जबर खो ऐसे रीड करते हैं आ आप अ श ल हम हा, फिर आ इसको हमजा नहीं रीड करना आ ही रीड करेंगे बिकॉज हमजा जबर आ यहाँ पे हम पूरा वर्ड रीड नहीं करें साउंड रीड करें आ फिर या अब आप सब इसको एक दफा रीड कीजिए ऊपर से देख के नहीं ज़बानी रीड करना आपने अलिफा तो आती है ना आपको जबानी रीड करेंगे फिर ही वर्ल्ड का अच्छे से आपको अंदाजा हो सकेगा रीड कीजिए जल्दी से किसी भी वर्ड को खींचना नहीं है हो गया बाकी लोग भी जल्दी से फिनिश कर लें Okay, my screen share again. Wait. जी नेक्स्ट ये देखिए हमने यहाँ तक देख लिया था यहाँ पे था हिदायत नंबर थ्री तक था नेक्स्ट है हिदायत नंबर फोर जिन हरूफ की आवाज़ों में मामूली फर्क है इन आवाज़ों में पाए जाने वाले फर्क की मशक कराएं ताकि ता वगैरा में फर्क आ हाँ सके ठीक है ये भी इन शाह हम ने नेक्स्ट मखारिज सीखेंगे ना अभी इसी क्लास में तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा जी नेक्स्ट है कायदा नंबर वन अगर रॉ पर जबर हो तो रॉ पुर होगी ये पहले भी हम सीख चुके हैं कि रॉ पुर होगी मीन्स रॉ पे जबर हो तो रॉ मोटी होगी पुर मीन्स मोटा ठीक है लिहाजा इसे पुर ही पढ़ाएं आगे ये पैटर्न बताया कि हिजे कैसे करने हैं हमने ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो आपको मालूम ही होगा इस पे आते हैं हम सबक पे जैसे पीछे हमने रीड किया आ बा ता था रीड किया है ना हमने लास्ट टाइम अभी जो आपने पढ़ा है वैसे ही अब इनको हमने आ, वर्ड्स की फॉर्म में देखना है फराब फ देखिए ना जबर है थ्री वर्ड्स हैं तीनों पे जबर है और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जबर जिस पे आ जाए उसको हमने नहीं खींचना तो ये क्या हुआ फार फ इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे फराब या फार या फराब स्पेशली होता है कि हम लास्ट वर्ड को खींच देते हैं वैसे दुआ है फराब कहता ऐसे नहीं फराब कहताब जय ये ऊपर इन्होंने बताया था कि रॉ पे जबर हो तो रॉ मोटी होगी इसलिए ये रॉ पे जबर आ आगे रॉ मोटा पड़ेंगे फराब कहताब सदा कैम अ अहद जला वजद वलद कतल अब बाकी जो रह गई आप लोग खुद रीड कीजिए अभी ड्यूरिंग द क्लास ऊपर से देख के तमाम रूल्स का भी ख्याल रखना है जहां पे रॉ आ रहा है उसको मोटा रीड करना है ठीक है जी जल्दी से जी हो गया मुझे बताइएगा ताकि फिर हम नेक्स्ट आए जल्दी से इसकी समझ आ रही है ना आपको अच्छे से जब कुरान में ये वर्ड्स आएंगे ना तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि यहाँ पे जबर को खींचना क्यों नहीं है जबर को नहीं खींचेंगे हम जबर जेर पेश दो दोनों को नहीं खींचते अभी आज हम सिर्फ जबर का ही देखेंगे जी हो गया जी ठीक है दाखिला खिला ठीक है लास्ट देखिए हिदायत नंबर फाइव जिस कलमा के आखिर पर जबर हो इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा जिस कलमे के आखिर पर जबर हो इसे वक्फ की सूरत में साकिन करके पढ़ेंगे मींस जिस वर्ड के कलमे मींस वर्ड ठीक है जिस कलमे के आखिर पर जबर हो उसे वक्फ की सूरत में साकिन करके पढ़ेंगे। लाइक like दिस आपको होगा इसका देखें लास्ट में क्या है सीन पर जबर है बल्कि यहाँ पे तमाम वर्ड्स के लास्ट में जबर ही है तो जब इस पे वक्फ होगा तो ये साकिन हो जाएगा ठीक है ये साकिन हो जाएगा कैसे आबास आबस वक्फ की सूरत में सीन साकिन हो जाएगा आबस आमर फ़ल आबद आशर ठीक है आदल ऐसे जैसे इन नीचे भी इन्होंने एग्जाम्पल बताई है जैसे फाराग फाराग से वाह और जया से जयाल वगैरह ठीक है क्लियर हो गया ये Follows for more. Press bell icon to get notification of नोटिफिकेशन ऑफ Like लाइक एंड सब्सक्राइब इट